हम दीपा ठाकुर आइब गेल छी आइ फेर सँ एकटा नया रेसिपी के साथ। अहाँ सब हमर चैनल के जरूर सब्सक्राइब करू सबसे पहले। और आइ हम अहाँ सबके बताबऽ जा रहल छी शाही पनीर बनाबऽ के तरीका। नॉर्मली लोग के कम्प्लेन होइ छै कि शाही पनीर बहुत मीठा होइ छै, तऽ आइ हम ओकरा अपना तरीका सँ बताबऽ के कोशिश कऽ रहल छी। तऽ चलू देखै छी शाही पनीर बनाबऽ के तरीका के केना बनायल जाइ छै। शाही पनीर बनाबऽ के लेल फ्रेश पनीर लेबऽ के, ओकरा त्रिकोण शेप मे काटऽ के, तकर बाद मिर्ची गुड़ा, धनिया गुड़ा और जीरा पाउडर लेबऽ के अछि हमरा सबके। ई सब लेला के बाद हम सब टमाटो सॉस जे छै से 2 चम्मच लै छियै, सादा नमक लेबै, ओकर बाद मे इलायची के जे अंदर वाला होइए दाना ओकरा, जीरा गोटा, तेजपत्ता, अमूल मिल्क, अमूल के बटर और काजू के हम पेस्ट बनाकर एकदम गोल जना राखि लै छियै। तकर बाद मे हम सब प्याज के चॉप कऽ लै छियै, टमाटर, मिर्ची, अमूल फ्रेश मिल्क, चिली पाउडर कलर के लेल गरम मसाला और ई ब्लैक पेपर, सब सामान के हम लऽ लेला के बाद मे सब सामान के राखि एकटा साइड मे रखै छी। और अपना सब एकटा कढ़ाही मे तेल गरम होला चढ़ाबै छी। तेल मे हम पनीर हल्का सा तेल डाल कर फ्राई करै छी। नॉर्मली शाही पनीर मे जे छै से बिना तलने लोग यूज करै छै, लेकिन हमरा हल्का सा फ्राई कऽ कऽ निकाल, मतलब जस्ट डालू तेल गरम मे निकालू, ओहन फ्लेवर अच्छा लागे। तऽ हम पनीर के डाल रहल छी, कुकर मे डालला के बाद जे हल्का कलर एतै, ज्यादा भुजबै नहि कि ज्यादा भुजला से टाइट हो जेतै, और शाही पनीर मे पनीर एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छा लागै छै। तऽ हमसब डाल कऽ और बस हल्का सा लाल हेतै और हमसब निकालि लेबै। ओकर बाद मे हमसब शाही पनीर के जे ग्रेवी होइए ओ तैयार करबै। तऽ अहाँ सब हमर अगर बेल बटन नहि दबेने छी तऽ प्लीज हमर बेल बटन दबा लिअ, ताकि हमर आबऽ वाला वीडियो सब अहाँ सबके जरूर देखाइत रहत। हम हिंदी और मैथिली दुनू मे वीडियो बनाबै छी और बहुत सारा खाना के रेसिपी के हम वीडियो बनाबै छी। तऽ चलू देखियौ, आब हम आबै छी कि पनीर देखा रहल छै अहाँ सबके। पनीर देखू हल्का हल्का मतलब लाल दै छियै, भऽ गेलै, ज्यादा लाल नहि करऽ के हम पनीर ही बतेलहुँ हँ अहाँ सबके, जे हमरा सबके एकदम सॉफ्ट राखै के छै पनीर। हल्का भुजबै और इलायची निकाल कर रखि लेबै, पनीर ठंडा भऽ जेतै। तहन हम कढ़ाइमे यूज कऽ सकै छी या तेलके साइडमे राखि कऽ जे छै हम अगला को कढ़ाइमे यूज कऽ सकै छी। बाकीके सब्जी मतलब ग्रेवी हेतै ओ हम बटरमे बनेबै, ताहि दुआरे तेल हम निकालि कऽ हम फ्रेश कढ़ाही इस्तेमाल करबै। देखियौ हमर पनीर एकदम फ्राई भऽ गेल, ज्यादा लाल नहि केलियै, बस हल्का हल्का भुजि कऽ करलहुँ। अब कढ़ाहीमे हम सब बटर दै छियै, तेलके निकालि कऽ रखि लै छियै, सारा साफ कर लेलहुँ, फेर सब बटर डालि देलहुँ हम सब एकटा बटर के फ्लाइन जे छै ठंडा लगलियै, जाहिमे कि हम अहाँके प्याज टमाटर और मिर्चीके भुजब। बादमे फेर हमसब फेर 1 बजे जहन ग्रेवीके फाइनल रेडी करबै, तखनके एकटा अमूलवला जे छलै बटरके क्यूब ओकर इस्तेमाल करबै। देखियौ क्यूब एकटा जे डाललहुँ हँ से गरम भऽ गेल छलै, तऽ आबैके बाद गरम भेलाके बादमे इलायचीके जे दाना हमसब छोड़ा कऽ रखने छलहुँ हँ से डालि देबै। एहिमे फटसँ अपना सब कनिक बटर हल्का गरम भऽ जेतै, ओकर इलायची दाना डाललाके बाद जीरा जे गोटावला रहै छलै से, तेजपत्ता सब डालि कऽ हल्का सा लाल भऽ जेतै, बहुत ज्यादा हल्का सा कनी भूज देबक छै। तऽ हम प्याज डालि रहल छी, आब प्याज डाललाके बादमे अहाँ साथे मिर्ची डालि सकै छी या 1-2 मिनट के अंदर ओकर डालि सकै छी। प्याज मिर्ची पहिले जे डालब से पटपट उठिके भूज कऽ पड़त, हम पहिले प्याज डालै छी, प्याज डालि कऽ कनी देर भुजलाके बाद रेडी करबै तहन तऽ ओहूमे से जुटेबे करके बाकी आर अहाँके जहाँ पैसा काजूके इस्तेमाल करबै दाना न लगे, ताहि दुआरे देखने हेबै कि काजू के एकदम पानि मिला कऽ गाढ़ा दै छै, खान दुकान करै छै शाही पनीरके ग्रेवी एकदम
ठंडा वाला छोड़ दीजिए, हम प्लेट में ठंडा हुआ रहे, उसके बाद में आप जावे तक पूरा पेस्ट बना लीजिए ग्राइंडर में, और एक कढ़ाई में पहले सर और बटर के डाल दीजिए और पिसा के लिए फाइनल ग्रेवी तैयार कर दीजिए। सादा पनीर के फाइनल ग्रेवी हो बटर, ये हम पेस्ट बना कर रख लूँ कुकर, क्योंकि हम अगर इतने देर गुजर गए, ग्राइंडर में पेस्ट बना लिया। अब फाइनल ग्रेवी तैयार कर लें, हम पेस्ट बन जाए तरीके से एकदम हल्का गैस अपना सबके तेजे रखा। ये देखियो अब धनिया बूरा मिर्ची पाउडर हल्का सा और जीरा पाउडर डाल में डाल देंगे हल्का। चलिए वे डालने के बाद में शाही पनीर बनाओ टाइप के टेस्ट वाला सब्जी है जी की हल्का हाँ नॉर्मली मीठा साइड कर खटा बनाया जा सकता है। कटोरी में जिसकी सॉस और पूरा अच्छे से मिल जाए और तक बड़ा कढ़ाई में डाल दीजिए। अगर बाद में सब्जी डालने के बाद हम पनीर डालें और लास्ट में अमूल वाला जो क्रीम है सेम में मैदा गरम मसाला हमेशा लास्ट में डाल दिया जाए, पनीर डाल पनीर डाल
अमूल क्रीम ऐड कर दी और अमूल क्रीम ऐड करके गैस बंद कर दियो। अमूल क्रीम जे छे हम से डाल रहल छे जे गैस बंद केला के बाद डालो किसे और अहां का अगर गैस तेज पर डाल दे तो तुरंत गैस बंद कर दियो डाल के ओकर बाद नहीं चाहो डाल और ऊपर से जे छे से बर्तन आज बारिश है तो निकल कर तो ऊपर से हल्का गोल टाइप के रहते देखो समय ना डाल रहे छे फिर एक नया रेसिपीज के साथ जल्दी हाजिर है।